हेलो गाइज़, मैं हूं विनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, रॉयल रंबल और उसके बाद की रोशे ग्रैंड स्टेज रेसलमेनिया की तस्वीरें कुछ शार्प होने लगी हैं। यहां से कुछ अपडेट्स भी निकलकर सामने आई हैं, जिनमें रोमन रेंज का शिंसुके नाकामुरा द्वारा रॉयल रंबल में एलिमिनेट होने का कारण और ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज का रेसलमेनिया में टाइटल मैच के लिए स्टोरी लाइन के बारे में अपडेट्स हैं। दरअसल लंबे समय से ये रूमर्स आ रहे हैं कि रेसलमेनिया 34 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि रोमन रेंज रॉयल रंबल को जीतकर रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर का सामना करेंगे, लेकिन रॉयल रंबल में रोमन रेंज शिंसुके नाकामुरा द्वारा एलिमिनेट हो गए। अब कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि रोमन रेंज 25 फरवरी को होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर मैच को जीतकर रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर का सामना करेंगे, क्योंकि WWE ने पहले ही घोषणा कर दी कि जो सुपरस्टार एलिमिनेशन चैम्बर को जीतेगा वो रेसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करेगा। चैम्बर मैच में 6 सुपरस्टार्स होते हैं, जिनमें से 3 सुपरस्टार जॉन सीना, ब्रॉन स्ट्रोमन और एलायस सैमसन का नाम पिछली रो में कंफर्म हो गया, और उम्मीद है कि आने वाले रो के एपिसोड्स में रोमन रेंज सहित बाकी सुपरस्टार्स के नाम कंफर्म हो जाएंगे। तो गाइस, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे बनेगी रोमन रेंज की रेसलमेनिया के लिए स्टोरी लाइन। वहीं रोमन रेंज का रॉयल रंबल में शिंसुके नाकामुरा से एलिमिनेट होना नाकामुरा के लिए बड़ा पुश साबित होगा। इस तरह से WWE ने रॉयल रंबल में शिंसुके नाकामुरा को बड़ा पुश देकर रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप का मैच दिया और रोमन की रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन एलिमिनेशन चैंबर से शुरू होगी। तो गाइस, आपके क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद तो इसे कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए WWE की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए।